वेलकम टू द परफेक्ट क्लास। आपका स्वागत है परफेक्ट क्लास में। आज का क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी 10 मैथ्स का, तो चैप्टर 3 का और एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन है। तो ये हमें कमेंट करा था ये क्वेश्चन का, तो हमें इस क्वेश्चन को बताया गया था, इसको सॉल्व करने का कहा गया। तो हमने क्वेश्चन लिया है, सेकेंड है फर्स्ट का सेकेंड वाला एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, इसे हमें सॉल्व करना है। तो ये है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो इसे सॉल्व करना है। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन में इक्वेशन दे रखी है, दो इक्वेशन दे रखी होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तो हम इनके इक्वेशंस लेंगे पहले। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो जाएगी एस माइनस थ्री, ये है फर्स्ट इक्वेशन समीकरण, ये फर्स्ट है और ये है सेकंड। लेकिन ये सेकंड कंप्लीट इक्वेशन नहीं है, पहले इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो इसको ले लेंगे हम सेकेंड वाले को, एस अपॉन थ्री प्लस टी अपॉन 2 = 6। इसे हमें कंप्लीट इक्वेशन में बदलना है, अभी ये कंप्लीट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, नीचे नीचे डिजिट्स का डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। तो ये आ जाएगा 6, दोनों का एलसीएम लेने पे 6 आ जाएगा। अब एलसीएम ले लिया, अब यहाँ पर हमें करना है इस 3 से 6 को डिवाइड करेंगे। तो 3 की टेबल में 6 आता है 2 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ एस। तो जो डिवाइड करने में जो नंबर आएगा उसे दे देंगे हम इसको एस से मल्टीप्लाई, जो ऊपर नंबर है उससे मल्टीप्लाई में देंगे। यहाँ पर भी ऐसे करना है, इस नंबर से इसे डिवाइड करेंगे, तो 2 की टेबल में 6 आता है 3 टाइम्स में, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 3t। तो ये हमारा एलसीएम करने पे ये कंप्लीट हो गया, आगे इजी आ जाएगा 6। अब हमें क्या करना है, इस 6 को बराबर के आगे भेजेंगे, ये जाएगा बराबर के आगे, तो 2s प्लस 3t बराबर 6। ये डिवाइड में है, बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में था यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ गया। तो 2s प्लस 3t बराबर 36, ये हमारे बन गए सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड ये हमारे बन गई है। लेकिन अब हम निकाले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हमें चाहिए थर्ड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को चेंज करेंगे थर्ड इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन है एस माइनस टी बराबर 3, इसे चेंज करेंगे थर्ड इक्वेशन में, तो जो माइनस टी है इसे हम भेज देंगे बराबर के आगे, तो एस इजिकल टू 3, ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, यह माइनस में था बराबर के आगे चले गया तो प्लस में हो गया, तो ये हमारे बन गई थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन है और सेकेंड, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब अगली जो स्टेप आएगी उसमें ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन को लेंगे उसमें रखेंगे थर्ड की वैल्यू, एज इक्वल टू 3 प्लस टी, इसकी वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 2 में, ये रहा समीकरण 2 में, समीकरण 3 एस का मान रखने पर, एस का मान रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 ये रहा। तो ये लिखेंगे 2 एस प्लस 3t इजिकल टू 36। तो यहाँ एस की जगह हमें लिखना है इसकी वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिली, ये रही इसकी वैल्यू, तो एस इजिकल टू 3 प्लस टी, तो 2 एस की जगह आने देना है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी, और ब्रैकेट इसलिए दे क्योंकि वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, और प्लस 3t इजिकल टू 36, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका 3 में मल्टीप्लाई होगा और इसका 2 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 6, और 2 का टी में होगा तो 2 और टी आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 3t बराबर 36। अब ये 2t और ये 3t दोनों को प्लस कर लेंगे, 6 प्लस ये हो जाएगा 5t इजिकल टू 36। अब ये 6 प्लस 5t इजिकल 36, तो हम क्या करेंगे 6 को आगे भेज देंगे, यहाँ प्लस में बराबर के आगे जाएगा, तो 5t 36 माइनस में 6 आ जाएगा, यहाँ प्लस में, इसका आगे कोई साइन नहीं, तो प्लस में बराबर का आगे गया माइनस में आ गया, तो 5t इजिकल टू 30।
36 में से 6 माइनस करेंगे 30 बचेगा, 30 आ गया। अब 5 और t के बीच में मल्टीप्लाई है तो हमें 5 को आगे भेजना है, तो t इज इक्वल टू 30 और ये मल्टीप्लाई में तो बराबर क्या आ गया, डिवाइड में आ गया, तो 5 से 30 कैंसिल हो गया 6 टाइम है, 5 6 या 30, तो t इज इक्वल टू 6 ये आ गया t की वैल्यू। लेकिन अब हमें चाहिए s की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 3 जो हमारा समीकरण 3rd था इसको उठा लेंगे, तो इसको ले लेंगे, तो समीकरण 3 में टी का मान रखने पर, तो ये है एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो ये एस बराबर 3 और टी की जगह रखने वाले हम 6, तो ये हो जाएगा एस बराबर 9, एस बराबर 9 आ गया, तब हमारा हमारे आंसर आ गया, दोनों आंसर आ रहा है, तो आंसर लिखेंगे एज बराबर 9 और टी बराबर 6, ये दोनों हमारे आंसर आ गए। यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसमें सब हमने डिस्क्राइब करा, सब चीज़ें क्लियर हो गई। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए।